गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आई होप यू आर डूइंग वेल टू डे वी विल स्टार्ट विद द सेलेबस ऑफ द सेकेंड पीडिक सो दिस इज़ चैप्टर नंबर एट मैमल्स मैमल्स यानी ऐसे जानवर जो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं विच गिव बर्थ टू योर टू द यंग वान्स ओके ये अंडे नहीं देते हैं अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं तो आज हम बहुत सारे मैमल्स के बारे में जानेंगे मैमल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड दैम ऑन ओन मिल्क अपने दूध अपना दूध पिलाकर उन्हें पालते हैं दे आर द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स यानी एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा समझदार सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं वो देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट वरायटी ऑफ मैमल्स ऑन अर्थ एंड वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो वन ऑफ दैम तो बहुत सारे अलग अलग मैमल्स इस पृथ्वी पर हैं और ह्यूमन बींग्स जो हैं यानी हम भी मैमल्स के ही ग्रुप में आते हैं क्योंकि हम भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं और जो मदर है वो बेबी को मिल्क फीड करती है तो आइए इसमें दो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है आउट योर पेंसिल एंड स्टार्ट फिलिंग इन द बुक पहला है विच मैमल एक्सेप्ट ह्यूम्स टेक केयर ऑफ इट्स यंग वंस लॉन्गर देन अदर मैमल्स तो आपको बताना है ह्यूमन बींग्स तो अपने बच्चों का ख्याल रखते ही हैं ध्यान रखते हैं उसके अलावा कौन सा ऐसा जानवर है जो बहुत ज़्यादा समय तक अपने बच्चे का ध्यान रखता है तो उसका आंसर है एलिफेंट एलिफेंट अपने बच्चे को अपने से दूर जल्दी नहीं करता है वो उसका हमेशा ध्यान रखता है द सेकेंड वन विच इज़ द बिगेस्ट अमंग द एप्स एप्स यानी बंदर की प्रजाति तो उनमें से सबसे जो ह्यूज साइज है बड़ा साइज़ है उनमें से कौन सा है तो गुरीला तो ये देखिए यहाँ उसकी पिक्चर भी बनी हुई है गुरीला इज द बिगेस्ट अमंग द एप्स द थर्ड वन वेयर इज द मिल्क ऑफ फीमेल मैमल्स प्रोड्यूस्ड यानी जो मदर होती है जो फीमेल होती है उसका उसके जो मैमरी ग्लैंस हैं उसके जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंस हैं वो कहाँ पर होते हैं तो मैमरी ग्लैंस होते हैं वो कहाँ वहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है और वो अपने बेबी को फीड करती है ओके नेम अ मैमल विच इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू इट्स बेबीज लेज एग्स अब देखिए ये एक एक्सेप्शनल केस है मैमल तो है ये लेकिन ये अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देता है वो क्या करता है वो एग ले करता है लेकिन ये मैमल के ही ग्रुप में आता है तो उसका नाम है डाक बिल्ड प्लैटिपस उसका नाम है डाक बिल्ड प्लैटिपस द फिफ्थ वन which मैमल builds अ डैम अक्रॉस स्ट्रीम्स एंड lives इन अ लॉज बिहाइंड इट तो डैम्स के या स्ट्रीम्स के किनारे आ, कौन सा ऐसा मैमल है जो रहता है अपना घर बनाकर तो उसका नाम है बीवर ये देखिए दिस इज अ बीवर ये जमीन खोद खोद के ये बहुत बड़ा अपना घर बना लेता है जमीन के अंदर ही दिक्स वन विच इज द स्मॉलेस्ट मैमल विंग ओनली अबाउट वन पॉइंट फाइव ग्राम्स यानी ये जो मामल है ये बहुत ही छोटा मामल है और इसका वेट कितना है वन पॉइंट फाइव ग्राम्स बहुत ही हल्का है तो इसका नाम है एस्ट्रूकन श्र्यू एस्ट्र्यूकन श्र्यू ओके द नेक्स्ट वन विच सी मामल हैज़ टू कम अप टू द सर्फेस ऑफ द वॉटर टू ब्रीथ यानी रहता तो वो पानी में है और उसको सांस लेने के लिए अपने वाटर बॉडी से बाहर आना पड़ता है अपने मुंह को बाहर निकालना पड़ता है तो उसका नाम है वेल जो कि बहुत ही बिग एनिमल है ओके okay, हम लोग उसको फिश समझते हैं बट एक्चुअली इट इज़ अ मैमल क्योंकि वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देती है विच इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई मैमल है लेकिन फ्लाई करता है तो वो है चमगादड़ यानी कि बैट विच मैल मैमल लिविंग इन सेंट्रल चाइना स्पेंड्स टेन टू ट्वेल्व आवर्स ईटिंग बैम्बू शूट्स अब ये देखिए चाइना में रहने वाला सेंट्रल चाइना में रहने वाला ये मैमल है जो दिन के दस से बारह घंटे तक क्या करता है बैम्बू खाता है बैम्बू के शूट्स को खाता है उसका नाम है पांडा क्योंकि ये उसका फेवरेट फूड है पांडा नेम अ प्लेफुल मैम विच इज़ अ ग्रेट स्विमर एंड ब्रिलियंट डाइवर यानी कि ये जो मामल है ये बहुत ही आ, प्लेफुल है यानी खेलता है बहुत ज़्यादा मस्ती खोर है ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा स्विम कर लेता है स्विमर है और डाइवर है यानी पानी में डाइव भी कर सकता है उसमें छलांग भी लगा सकता है तो उसका नाम है ऑटर ओ डबल टी ए आर ऑटर द नेक्स्ट वन विथ सी बर्ड हैज़ अ लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव ब्लबर अराउंड इट्स बॉडी तो ये एक सी में रहने वाली एक चिड़िया है बर्ड है ये इसके बॉडी में चारों ओर ब्लबर का एक लेयर होता है जो उसके शरीर को गर्म रखता है क्योंकि ये बहुत ही ठंडे प्रदेश में रहने वाली बर्ड है इसका नाम है पेंगुइन। ये पोल्स पे रहती है तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है इसलिए एक प्रोटेक्टिव ब्लबर इसके बॉडी के चारों ओर रहता है ताकि उसे वो गर्मी वॉर्थ प्रोवाइड करे। द द्वेल्थ वन विच मैमल यूज इट्स बुशी एंड थिक टेल फॉर बैलेंसिंग एंड सिग्नलिंग तो ये जो मैमल है ये अपनी जो इसकी बुश के जैसे एक झाड़ी के जैसे जो इसकी पूँछ है वो उससे क्या करता है सिग्नल्स देता है और अपने बॉडी को उससे बैलेंस भी करता है तो इसका नाम है लेमूर लेमूर इसका सही ऑप्शन है नीचे देखिए यू नो द सेटेलाइट डिश ईयर्स ऑफ द फिनेक फॉक्स हेल्प इट टू हंट माइस एट नाइट एंड रिमेन कूल तो उसके जो कान होते हैं फॉक्स के फिनेक फॉक्स के वो उसको शिकार करने में भी हेल्प करते हैं रात के टाइम और उसको ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं फर ऑन द सोल्स ऑफ फिनैक फॉक्सिस फीड प्रोटेक्ट्स इस फ्रॉम हॉट सैंड और वो गर्म बालू पर जब वो चलता है तो उससे भी वो उसको प्रोटेक्ट करता है जो उसके सोल्स के ऊपर पैरों के ऊपर जो फर लगे रहते हैं तो ये नई जानकारी आपको पता चली अब आप नेक्स्ट पेज पर पे टर्न करिए नेक्स्ट चैप्टर को टर्न करिए द नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नाइन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे क्या बनी हुई हैं सेंचुरीज बनी हुई हैं नेशनल पार्क्स बने हुए हैं तो उनके बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने वाइल्ड लाइफ को जंगली जानवरों को पौधों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आइए हम लोग देखेंगे डेंस फॉरेस्ट आर होम्स ऑफ मैनी एनिमल्स जो घने जंगल होते हैं उसमें बहुत जानवर रहते हैं सम एनिमल्स आर एंडेंजर्ड तो तीन टाइप के एनिमल्स होते हैं एंडेंजर्ड एक्स्टिंक्ट और जो अभी रह रहे हैं एक्सटिकट यानी कि जो बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं और एंडेंजर्ड का मतलब है कि अभी वो गायब तो हुए नहीं हैं लेकिन अगर हम उनका ध्यान न रखें उन पर उनकी इलीगल हंटिंग को पोचिंग को रोकें ना तो वो भी खतरे में पड़ सकते हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं तो वो भी एंडेंजर्ड हैं यानी डेंजर में हैं वाइल सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट कुछ एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं गायब हो चुके हैं टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एनिमल्स द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इस्ट सेवरल नेशनल पार्कस एंड बर्ड सेंचुरीज तो उसी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे नेशनल पार्कस हैं और सेंचुरीज हैं जहाँ उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है जैसे हमारे डाल्टनगंज में भी है बेतला नेशनल पार्क है जहाँ पे जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है तो आइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है पहला है दिस इज़ द मेन फेलो एनिमल ऑफ द टाइगर इन द परियार टाइगर रिज़र्व यानी परियार टाइगर रिज़र्व जो है जो साउथ की तरफ है वो वहाँ का वो मुख्य जो है एनिमल है तो वो है एलिफेंट वहाँ एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है दिस इज़ द होम ऑफ़ मैनी बर्ड्स सच एज़ क्रीन्स एंड फ्लैमिंग इन द स्टेट ऑफ गुजरात यानी ये जो जगह है ये गुजरात में है और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है वो उनका घर बन चुका है फ्लैमिंगोज़ का और क्रीन्स का तो उसका नाम है नाल सरोवर लेक वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर ऐसी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है The third one, fast disappearing one horned rhinoceros is are protected in this park, which is located on the banks of Brahmaputra river in Assam. तो so, ये जो national park है, जो ये sanctuary है बोली जो national park है, तो national park की जो है ये Assam में है Brahmaputra नदी के किनारे बना हुआ है और यहाँ पे एक सिंह वाला जो rhinoceros होता है उसे protect कर किया जाता है, जो बहुत अब फास्टली फास्ट fast तरीके से बहुत ये डिसपियर होता जा रहा है गायब होता जा रहा है अब कुछ ही रह गए हैं तो ये है आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क नंदन कानन इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क इन दिस सिटी ऑफ उड़ीसा उड़ीसा में ये है नंदन कानन एक वाइल्ड लाइफ पार्क है तो उड़ीसा के कौन से शहर में है तो भुवनेश्वर में है भुवनेश्वर में, में ये नंदन कानन वाइल्ड लाइफ पार्क है द फिफ्थ वन जिम कॉर्बेट स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ सेटिंग अप दिस पार्क जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े बोलिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर हैं कंजर्वेशनिस्ट हैं तो इन्होंने बहुत सारा अपना समय इस पार्क के लिए दिया और इसीलिए उनका उनके नाम पर ही इस पार्क का नाम पड़ा जिसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क द सिक्स वन द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया सबसे बड़ी बर्ड की सेंचुरी जहाँ बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है वो कहाँ है तो भरतपुर बर्ड सेंक्चुरी है ये राजस्थान में है मानस नेशनल पार्क लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ मानस नेशनल पार्क कहाँ है कहाँ किसके बॉर्डर पर है तो इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर ये सेंचुरी ये नेशनल पार्क बना हुआ है गुंडी नेशनल पार्क इन चेन्नई इज फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग दिस एनिमल यहाँ पे किस एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है तो स्नेक स्नेक को वहाँ की बहुत सारी वैरायटीज हैं वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है द नों खेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ ये किस स्टेट में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो मेघालय मेघालय में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नोंगेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द टेंथ वन बिस दन हॉन्ड राइनो दीज एनिमल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन काजी रंगा नेशनल पार्क तो आपने अभी शुरू में काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर क्या किया जाता है वन हॉन्ड राइनोस को प्रोटेक्ट किया जाता है ठीक है लेकिन एक और ये देखिए यहाँ पर तो वहां पे एक और और कौन से जानवर हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है तो एलिफेंट एंड वाइल्ड फेलो को भी वहां प्रोटेक्ट किया जाता है अब देखिए डिड यू नो मानस नेशनल पार्क इज होम टू ट्वेंटी ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स विच इंक्लूड द रेयर लंगूर हिस्पिड हेयर पिगमी हॉग एसेट्रा तो मानस नेशनल पार्क में बीस से ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं जो अब गायब होने की कागार पर हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है वहाँ पे उसमें से कुछ रेयर स्पीशीज़ जो हैं वो हैं लंगूर की हिस्पिड हेयर है पिग्मी ये अलग अलग तरीके के जानवर हैं जो अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो चुके हैं आई होप यू हैव फॉलोड दिस चैप्टर चिल्ड्रेन ओके थैंक यू